जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती दिखाई दी। जब 100 से अधिक सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज की खटारा बस सोम घाटे में एक डिवाइडर के सहारे रुक गई, अगर यह डिवाइडर नहीं होता तो 100 से अधिक सवारियों से भरी बस सीधी 200 फीट गहरी खाई में गिर जाती। आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज की खटारा बसें उदयपुर से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से संचालित हो रही है, जो आए दिन खामियों की वजह से ब्रेकडाउन हो जाती है। सोमवार को भी ऐसा ही एक हादसा हुआ, जब उदयपुर से अंबाजी जा रही रोडवेज की बस सुबह 9:15 बजे सर्पिलाकार सोम घाटे उतरते वक्त अचानक बंद हो गई। इंजन बंद होने से बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए खड़े उतार में एक मोड़ पर डिवाइडर पर बस को अटका दी। अगर डिवाइडर टूट जाता तो बस करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर जाती। इस अनहोनी के बाद बस में सवार सभी सवारियों की सांसें अटक गई। आधे से ज्यादा सवारियां खिड़कियों से नीचे कूद गई। राजस्थान रोडवेज की इन खटारा बसों को संचालित करने वाले अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीणों की जान पर बनाई। ग्रामीणों ने सरकार से इन दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में नई बसें संचालित करने की मांग की है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की।